चूतिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो हमारा लौंडा उतर चुका है ओल्ड बेसिन में, है ना। और जहाँ पर मैं उतरा हूँ वहाँ पर लतपत पता ही चार छः बंदे उतर चुके हैं। और यहाँ पर बस तुम गन दिला दो और मैं पेल लूँगा, है ना। और यहाँ पर पुष्टिया पा रहे हैं ना, तो वो अभी पेलेगा, ठीक है, फिर बाद में हम पेलेंगे, है ना। कर वो तो बस फुट स्टेप देख रहा हूँ भैया कहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ से मुझे एक M416 मिल जाती है। और ये अभी लौंडा यहाँ से बच चुका है, अब नहीं बचेगा ये। मैं थोड़ा नूबों की तरह खेलना हूँ लेकिन चलेगा, कुछ नहीं। और ये लगा एक नॉक और ये दूसरे में ख़त्म ख़त्म हो जा, है ना। तो यहाँ से ख़त्म करने के बाद इससे ले लेते हैं हम लूट। लूट अच्छी है भैया, एक ही M416 है ना, तो सबसे पहले लूट पूरी करेंगे हम, बाहर में जाओ, ठीक है। और AKM सब ले लेते हैं इससे। और फुट स्टेप आ रहे हैं, और ये क्या, और मैंने इसको पेल दिया। और मतलब कि क्या हो गया, और गन चेंज की मैंने, गन रिलोड पे लग गई मेरी। तो उस मैच में तो हम मर जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा लौंडा उतर चुका है स्टेडियम। अगली खबर स्टेडियम से आ रही है। और यहाँ पर दो लोग लैंड कर चुके हैं ना। और यहाँ पर शॉटगन की एमओ उठा ली जाती है, और हमारे पीछे लौंडा है और हमें पता नहीं है ये रहा वो लौंडा। उठा ले। तो मैंने उसको उठाने दिया, लेकिन अब नहीं जाने दूंगा मैं, ये नॉक कर दिया मैंने, है ना। और बस अब ठीक है, और तो मैं उसको फिनिश करने जा रहा हूँ, और जिंदा नहीं रखूँगा भाई, बता रहा हूँ बिल्कुल। और एक लौंडा नीचे है, इसको तो मैं पेलूँगा, इसको मैं पेलूँगा, ये नीचे उतर के मैं पेलूँगा इसको, ये जिंदा नहीं बचेगा, ये कुछ ज़्यादा ही पिरो बनना है, इसको मैं पेलूँगा सबसे पहले। फुट स्टेप देख रहा हूँ, एक उसका किल मिल गया, और कहाँ बस किल बता दे, वो फायर किया, ले रुक जा, ले हमको इस, मैंने इसको क्राउच एंड फायर करके पेल दिया, ठीक है, पेल दिया। तो अब हम चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। तो भाइयों स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, है ना। अगर यार स्टार्टिंग अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टार्टिंग कैसी लगी, स्टार्टिंग बता देना बस भाई, बहुत मतलब कि बहुत देर में बन पाती यार ऐसे स्टार्टिंग बकचोदी, है ना। बस भाई स्टार्टिंग कैसी लगी, स्टार्टिंग आपको अच्छी लगी हो यार तो बता देना, है ना। तो यहाँ से हम लूट वूट कर लेते हैं ना, फिर पहलेंगे हम बंदों को। और यहाँ से मुझे लेवल 2 का बेस्ट मिल जाता है ना, और बंदे भी सामने हैं उनको भी पहलेंगे हम, है ना। कतई पेटी वूटी बनाएंगे, और कान मेरा लौंडा नसा आ जाए वो छड़ेगा नहीं। और यहाँ से मुझे मिल जाती है M16, है ना। अब सस्ती सी इंग्लिश है क्या करें। और यहाँ से भी मिल जाती है मुझे M16। अब ये नहीं है ये बंदा, देखा ये नॉक, और एक ऊपर भी बंदा है वो भी नॉक होगा अभी, रिलोड कर लें पहले। ये नॉक कर दिया इसको भी मैंने। अब एक पता नहीं कहाँ से पिल रहा था मुझे, ये यहाँ से निकल के आया, ये भी नॉक, ये यहाँ पर घुस गया, वो तो अच्छा हुआ हमारे भाई ने टॉमी से मार दिया, नहीं तो ये हमें कुत्ता बना देता, ठीक है। और मैं इसको किल कन्फर्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भैया देखो आस पास बंदे ही बंदे हैं, और यहाँ पर मुझे मेरे पास फर्स्ट एड नहीं है नेक भी। और मैंने सोचा एक आध किल चोरी कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और एम असिस्ट की वजह से जो नीचे वाले एम है वो उस पर चला जाता है। और ये बंदा पता नहीं कुछ ज़्यादा ही पिरो बनना था, ये चला गया डायरेक्ट नीचे, अब इसकी पेटी बनेगी, नहीं बॉट है ये तो इसको मार देते हैं हम। इसको मारने के बाद इसको वैसे ही मार देते हैं, और एक हमारा लौंडा हो चुका है Mini 14 से नॉक, और मैं उसको अभी रिवाइव नहीं दे सकता क्योंकि वो फिनिश हो चुका है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं हील, 3 बैंडेज हैं हमारे पास, अब क्या करें। तो और एक और लौंडा हो चुका है हमारे टॉमी से नॉक, और वो हो चुका है फिनिश। हमारे बस 2 लौंडे बचे हैं, और एक में मैं हूँ, और क्या, और कुछ नहीं। और मुझे पीछे से पड़ जाती है और मैं हो जाता हूँ नॉक। अब यहाँ पर भी एक लौंडा होता है, अब एक लौंडा यहाँ पर आ जाता है, एक लौंडा यहाँ पर देखो आ गया भाई, ये तो मुझे फिनिश कर देता, कर दे भाई, लेकिन अच्छा हुआ इसकी गन रिलोड पे आ गई, इसने एक आधी 2 शॉट मारे।
और हमको यहाँ पर इजीली रिवाइव मिल जाता है, लेकिन नहीं, सबसे पहले वो मेरा लॉन्ड हील करेगा, उसके बाद रिवाइव देगा मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम रिवाइव तो दे दिया अरे उसने, और लोग तो होते हैं तो वो तो यहाँ कहते हैं जा रहे बहुत रेडी का अपनी गांड बढ़ा दूँ, मैं नहीं दे रहा तो ये रिवाइव। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे रिवाइव मिल चुका है, और रिवाइव लेने के बाद आ जाते हैं एक बॉट दादा, बॉट दादा को, बॉट दादा का किल हमें मिलता है। बॉट दादा का किल सबसे पहले मैं इनके पार्ट से लेता हूँ ए क्यू एम लेने के बाद, और मैं देखता हूँ फर्स्ट एड है यहाँ पर, फर्स्ट एड तो भैया नहीं होती है, और मैं जा रहा होता हूँ उसको, और इस इनके देखेंगे कि इनके पास फर्स्ट एड है या नहीं। तो इनके पास से हमें मिल जाती है M416, और M416 लेने के बाद हम करेंगे कुत्तों की तरह बंदूक पे पुश। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास जो लूट होती है भैया एकदम ओपी होती है भैया, कतई दिल में तसल्ली मिल जाती है ना, तो चलते हैं। और यहाँ से मुझे फायरिंग के साउंड आ रहे थे तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, है ना। तो अब मतलब कि अब तुम देखना कैसी, मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, और मैं यहाँ पर TPP ले रहा हूँ, ठीक है, और मुझे सामने PT दिखती है तो मेरी फट के चौथ पर हो जाती है, मैं पीछे की तरफ आ जाता हूँ, और पीछे की तरफ ये बंदे को देखो, मैं मतलब कि M416 का स्प्रे दे के उसको नॉक कर दिया, और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एक और टीममेट था और मैंने उसको उधर लिया भैया, और इनका यहाँ पर कोई नहीं था। सबसे पहले इनको लूट करके पेलते हैं, और पीछे अभी मतलब कि यहाँ पर 9 किल के साथ है ना, पेल दिया इनको, और कतई अब हम चल देते हैं जोन की तरफ, जोन की तरफ चल देते हैं। मैंने यहाँ पर आगे पीछे देख लिया कि बंदा तो नहीं है, कतई मैं जा रहा हूँ और वो मुझे पेल दे है ना, तो भाई अच्छा नहीं लगेगा है ना। तो अब हम चल देते हैं जोन की तरफ है ना, तो यहाँ पर हमारी फाइट हो जाती है, और ये बंदा देखो मुझे मार के अब फिर खुद जोन की तरफ जा रहा है, मतलब कि क्या ही मतलब नसीबाज लौंडे हैं। और इस पे Level 3 का बेस्ट टूल सब है, तो सबसे पहले हम वो लेंगे, और गन अच्छी नहीं थी इसके पास, और फर्स्ट एड लगाने के बाद वो देखो मुझे सामने अभी यहाँ से बंदा लेगा है ना, कतई वो उसे कोई फ़र्क नहीं है, और इसको भी हम नॉक कर देंगे है ना, और ये तो फिनिश हो चुके हैं। और आगे हमारी होगी फाइट, जिसमें कि ये जो फ़ोन नंबर है ये कुछ ज़्यादा ही हवा में उठ रहा था, और ये पेल दिया जाता है, ठीक है। और एक यहाँ पर रेड जोन बोल रहा हूँ मैं, रेड जोन आ गया भैया, रेड जोन की हमारी कुछ पुरानी घनिष्ठ दुश्मनी है ना। और यहाँ पर मैं पीछे देख रहा होता हूँ तब तक हमारे 4 नंबर भाई हो जाते हैं नॉक, और मैं देख रहा होता हूँ कहाँ से पड़ रही है, तब तक तो भैया फिनिश कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी एक बंदा था, तो भाई कतई, और मेरी वेस्ट देखो बिल्कुल डैमेज है। और यहाँ पर मिलेंगे आपको सस्ते कार 98 के, ना हेडशॉट है ना कुछ है, ठीक है। और वो तब तक मेरे पास आता है, और मेरे पास कोई स्मोक भी नहीं रहता, सो मैं उसको पेल दूँ, ठीक है। और तब तक मैं उसको देखता हूँ, तब तक उसकी बेचारी की पेटी बना दी जाती है ना, और पीछे से रेड जोन भी वो पीछे से ब्लू जोन भाई आ रहे होते हैं ना, कहते हैं डंडे मारे हैं ना, तो यहाँ पर उसके हेडशॉट लग ही जाता है। लेकिन अब यहाँ से रेड जोन भाई आ गए हैं ना, तो वो स्प्रे दे लगे हैं, तो अब मैंने सोचा इनको थोड़ा हिट देता हूँ, और ये फिर पीछे की मतलब कि भाई बिल्कुल 0 SP छोड़ा है, और मैं पहले दे देता हूँ, पहले भी और हिट दे देता हूँ कि जिससे कि मतलब कि ये इनमें खुजली ना मचे, ये देखे ना है ना। और मैं पूरा उन्हीं की तरफ देखते हुए जाता हूँ कि भैया कहीं पेल ना दें ये, ठीक है। और मैं सबसे पहले गाड़ी लेके यहाँ से भागता हूँ भाई सबसे पहले, और मेरी जोन भाई बड़ा बहुत बुरा काट रहे थे है ना,
और यहाँ पर मुझे एक मिलता भागता हुआ बंदा, आपको भी दिख गया होगा। और ये देखो ये खड़ा है, ये भाग गया, अब ये हो जाएगा नॉक, ठीक है नॉक हो गया। अब मैं यहाँ पर खड़े होकर TPP लेने लगता हूँ, ठीक है मतलब कि फर्स्ट एड लगा रहा होता हूँ। और इतने में आता है फायरिंग के साउंड, पीछे से आ रहा होता है तो मैं पीछे जाके देखता हूँ कि भैया कौन है, ठीक है इतने में ही वो पेल देता है मुझे।